मेरी भतीजी इसके पास पढ़ने जाती थी कोचिंग। किसके पास? ये आकाश आर मतलब जेपी का लड़का है। कहाँ पढ़ने जाती थी? ये जेपी फाउंडेशन पब्लिक स्कूल यहाँ पढ़ने जाती थी, मतलब कोचिंग में पढ़ाता, मतलब उसका मतलब कि बातचीत करता था और प्लस धमकाता था। एक बार आकाश आर का एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है, उसने उसको देखने के लिए, मेरी भतीजी उसको देखने के लिए वहाँ पे गई थी, ठीक है, देखने के लिए गई थी। फिर वो देखने के लिए गई थी, उनकी भाभी ने कहा कि शादी करोगी? हमारी भतीजी ने कहा नहीं करेंगे। वो घर सीधे चली आई, मम्मी को बताया क्या फ़ोन हुई? अपनी मम्मी को बताया, अपना फ़ोन मम्मी ने फ़ोन को किया, फोन को धमकाया। उस टाइम दो तीन दिन पहले हमें पता चला है। क्या फोन भी दिया गया था लड़के के द्वारा? लड़की को फ़ोन दिया गया था, वो आके घर पे बताया कि मम्मी हमको इसने फ़ोन दिया है। तब उसके तुरंत हम लोग घर गए, उसने कैंची चक्कू सब कुछ निकाल के। किसने? आकाश आर, उनके उनके घर वाले ने, इनके भाई आई। लड़की पढ़ने जाती थी? लड़की कोचिंग पढ़ने जाती थी। किस स्कूल में? नहीं जाती रही, कोचिंग जाती थी। तो उन्होंने हम कोचिंग में उन्होंने हम कहा रिया को सब घर वाले मिलके ने उन्हें कहा कि आप बेटा शादी करोगे, आप तो अच्छे लड़की हो, पढ़ने में तेज हो, सब कुछ है। फिर रिया ने हमको घर पे बताया कि मम्मी घर वाले लोग ऐसी सी बात करते हैं। तो फिर हम लोग फिर बाद को ये बात हमने फिर आकाश को धमकाया कि तुम अपनी बिरादर को नहीं जानते हो क्या कि ऐसी लड़की से ऐसी बातें करती हो। ये पहले से छेड़छाड़ रहा है? कई दिनों से नहीं, एक ही दो दिन से मतलब बात की थी भाई। तो फिर आए गए, फिर हम उनके पास गए, आज किसके पास? आकाश के पास, सब घर वाले मिलके उनको समझाने के लिए कि हम लड़की को आपके भरोसे भेजते हैं और तुम ऐसे बातें करते हो घर वालों मिलके, ये अच्छी बात ये नहीं। आकाश कौन है? आकाश उन्हीं का लड़का है। किसका? जिसका जेपी पालस का जिसका स्कूल चलता है। प्रबंधक है? कौन सा विद्यालय है, क्या नाम है विद्यालय का? जेपी पालस।